चलिए, अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको रिजियो आइसोमेरिज्म भी आप बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम देख सकते हैं। तो ये तो इजी है, सिंपल, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है समझने में। द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू गो थ्रू द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वहां पे फिर समझने में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम आइसोमर्स को पहचान सकते हैं, कैसी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, चाहे आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, सभी हम देखेंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर यही लॉजिक से आप चलेंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं, चाहे आपका गेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे नेट का एग्जामिनेशन हो, या आपके कहीं पीएचडी एंट्रेंस हो, आईआईटी जैम के एग्जाम्स हो। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। तो सबसे पहली बात देखिए, हम फोकस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। एंड यू नो व्हेन वी हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है कि जब सेंट्रल मेटल एटम से या सेंट्रल मेटल आयन से चार लीगेंड अटैच्ड हों, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लीगेंड एंड द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है या आपका टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल अगर आपका से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल है, तो उसमें किसी भी तरीके की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। ये सब जगह किताबों में लिखा हुआ भी है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, जब भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं, देन यू हैव टू थिंक द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द लीगेंड्स इन द स्पेस। आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, ये क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है थ्री डायमेंशन में कैसा अरेंजमेंट लीगेंड्स का है। तो ये हमेशा लीगेंड्स का जो अरेंजमेंट है ये रिलेटिव होता है। और अगर एक आइसोमर में आपके लीगेंड्स का अरेंजमेंट है, दूसरा आइसोमर आप बनाते हैं, तो इनमें अगर आपका एंगल का डिफरेंस है लीगेंड्स के बीच में, राइट, तभी आप कहेंगे कि ये आपके डिफरेंट आइसोमर्स हैं, वरना वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं इस केस में ना, मान लीजिए ये आप कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये मान लीजिए एम ए टू बी टू टाइप का है, जहां पे एम ये आपका सेंट्रल ब्लैक वाला कोई मेटल है, और ए टू मान लीजिए कोई दो एक तरीके के लीगेंड है जो येलो से मैंने शो किए हैं, और बी टू आपके मान लीजिए रेड वाले हैं, तो ये किसी भी तरीके की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, अभी इन दोनों येलो वाले जो आपके लीगेंड है, इनके बीच का एंगल कितना है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो पता है 109.5 डिग्री होगा, जिसको आप 109 डिग्री 28 मिनट भी बोल देते हैं कई बार। ओके, तो इनके बीच में एंगल वही है 109.5। ऐसे ही इस येलो और इस रेड के बीच में भी वही एंगल है। सिमिलरली जो पीछे की तरफ रेड निकल रहा है, इसके बीच में भी एंगल वही है। तो सब केस में अगर आप किन्हीं भी दो लीगेंड्स के बीच का बॉन्ड एंगल देखें, तो ये बॉन्ड एंगल हमेशा और हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109.5 डिग्री है। अब क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी? मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने के लिए हमेशा जो रिलेटिव बॉन्ड एंगल्स हैं वो चेंज होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको चेंज कर देता हूं, अब मैं इसको उठा देता हूं, यहां ये रेड वाले को निकाल देते हैं, ठीक है, और इस रेड वाले की पोजीशन अब इस येलो वाले को दे देते हैं, ठीक है, ये दे दी। तो आपकी आईज को जरूर लग रहा होगा ये डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी देखिए इसके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी 1.5 डिग्री है, 109.5 डिग्री है, इन दोनों के बीच का भी 109.5 डिग्री है। तो कहीं पर भी अगर आप लीगेंड को सब्स्टिट्यूट करेंगे रिलेटिव पोजीशंस में, तो बॉन्ड एंगल तो चेंज नहीं हो रहा। व्हेन द बॉन्ड एंगल इज नॉट चेंजिंग, राइट, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस केस में तो ये नहीं हो सकती है। स्क्वायर प्लेनर में बिल्कुल होगी, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में देखिए, स्क्वायर प्लेनर तो बहुत आसान है कि सिर्फ और सिर्फ चार लीगेंड आपने लगाने हैं सेंट्रल मेटल से। देखिए, आइए देखते हैं पेपर में स्क्वायर प्लेनर में कैसे लीगेंड्स की पोजीशन चेंज करने पे एंगल चेंज होता है, और एंगल चेंज होने की वजह से लीगेंड्स जो रिलेटिव एंगल चेंज हो गए, तो आइसोमर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। तो स्क्वायर प्लेनर में हम इसको देखते हैं, चलिए कैसे होता है। ओके ओके गाइज, नाउ आई एम कमिंग बैक टू द स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
और देखिए आपने अभी मॉडल्स की हेल्प से देखा है कि किस तरीके से जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं वो किसी तरीके की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। हाँ, लेकिन टेट्राहेड्रल कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर शो करेंगे, और वो बहुत आसान है, जैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका होता है उस तरीके से आप लॉजिक लगाएंगे। हालांकि टेट्राहेड्रल में अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के केसेस में, उसी को लगाकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपने टेट्राहेड्रल में भी कंसेप्ट लगाना है। ओके, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आपने देखना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, देर इज नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब आप कहेंगे भाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखिए कंपाउंड अगर प्लेनर है इसका मतलब उसके पास एक हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन आप समझते हैं, जैसे आप एक मान लीजिए कि मेरे पास इस तरीके से ये एक स्क्वायर जैसा लग तो नहीं रहा, लग तो रेक्टेंगुलर रहा है, तो लेकिन फिर भी चलिए इसको इरेज कर देते हैं। वेट, ओके, मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास एक कोई ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बीच में सेंट्रल मेटल होगा इस तरीके से, ओके ये है। तो जब ये आपके पास होता है ना, तो इसके पास एक हॉरिजेंटल प्लेन होता है जो कि इस पूरे को ऐसे बाइसेक करता है इसके बीच में, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेपर आपने सीधे सीधे अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अगर प्लेन इसके पास हो गया तो उसको सिग्मा प्लेन बोलते हैं, हॉरिजेंटल सिग्मा प्लेन, ठीक है। और हॉरिजेंटल सिग्मा प्लेन अगर होता है तो फिर आपको पता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो 3 डायमेंशनल है, तो प्लेन में वो हो नहीं सकती। इसलिए स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। कुछ रेयर एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं उनको यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शायद कभी पूछे भी नहीं जाते, बट देर आर सम रेयर एग्जाम्पल्स। ओके, तो अगर आपको ये हॉरिजेंटल प्लेन वगैरह देखना नहीं आता है तो मैं लिंक दे रहा हूं, देखिए किस तरीके से एक वेबसाइट का यूज करके मैंने इन चीजों को आपको बताने की कोशिश करी है। इस लेक्चर को देखिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर नहीं है। बहरहाल हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्सेस हम बता रहे हैं यहां पे, तो पहले कॉम्प्लेक्सेस में आने से पहले तो मैं कुछ जनरल आप बातें आपको बता लूं। देखिए आपको बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब में भी देखे होंगे, या ट्रिक भी आपको सिखाई जाती हैं कि ए बी बी का कम्बिनेशन बनवा लीजिए, फिर मैच करवा लीजिए, और फिर उसके हिसाब से देखिए कि आइसोमेरिज्म हो रही है या नहीं हो रही, या कौन सा ऑप्टिकल है कौन सा ज्योमेट्रिकल। उतना ज़्यादा टिपिकल या डिफिकल्ट चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ 180 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल लीगेंड्स के बीच में पहचानना सीख लें। इतना अगर आपको आता है तो फिर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले हैं, और वही मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो एक देखिए, सबसे पहले MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्सेस है। तो MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्सेस है तो देखिए सारे लिगेंड चार की चार इसमें सेम है, ठीक है। तो इनमें तो किसी तरीके की आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिकल। अभी और क्लियर होगा कि क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर MA3B टाइप का है, अगर तीन लिगेंड एक तरीके के हैं, तब भी किसी तरीके की आइसोमेरिज्म इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। तो ये दो चीज तो समझे। बाकी हाँ, MA2B2 अगर है तो इसमें जरूर आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, जो कि सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब यहां से समझें आप एंगल पहचानना। देखिए मान लीजिए ये मेरा MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो बीच में मेरी मेटल लगी हुई है यहां पर, देखिए ये वाली, ओके एन पॉजिटिव लिखा है तो मेटल आयन है ये। अब इसमें लीगेंड देखिए A2, इसका मतलब दो लीगेंड जो कि टाइप एक जैसे हैं, तो ए से लिख लिया, जनरलाइज किया हुआ है, तो उसको मैंने यहां लगा दिया, ओके, और इस वाले को मैंने यहां लगा दिया, ठीक हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर इन दोनों ए के बीच का एंगल आप देखेंगे, अगर आप यहां से यहां मेजर करते हैं इस एंगल को, तो ये तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ठीक। ठीक वैसे ही अगर ये बी को देखें आप और दूसरे वाले बी को देखें, इसके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, बस, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं ना। इतना ही आपने देखना है, जब भी दो आइडेंटिकल लीगेंड एक से लीगेंड 180 डिग्री का एंगल आपस में बनाते हैं तो वो ट्रांस आइसोमर होते हैं, क्योंकि ये अपोजिट जा रहे हैं, तो ये है ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब देखिए मॉडल के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन भी आपको किया था, मैं फिर बता रहा हूं।
देखिए यहाँ पे देखना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे 90 डिग्री है या कैसे नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखें, जैसा मैंने मॉडल में भी एक्सप्लेन किया, एंगल अभी देखिए ऑक्टाहेड्रल वाले में मैंने बताया था, तो एक्चुअली में ये इस ये वाला जो लिगेंड बी है और ये वाला लिगेंड जब ये एक ही साइड में होते हैं, तो बेसिकली ये ना पेपर के एक एक कॉर्नर में आप मान लीजिए, तो इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब किसी के बीच का भी एंगल आप नाप लीजिए, तो ये सब मेजर कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब वेन एवर द लिगेंड्स आर हैविंग 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम, तो ये आइसोमर सिस आइसोमर कहलाते हैं। तो बस यही आपने ध्यान में रखना है, अगर लिगेंड्स इन क्वेश्चन आर हैविंग 90 डिग्री एंगल, देन द कंपाउंड वुड बी सिस। इफ द लिगेंड्स इन क्वेश्चन आर हैविंग द 180 डिग्री एंगल, देन दे वुड बी ट्रांस। इतना ही आपने ध्यान में रखना है, ये समझ में आता है तो सब कुछ क्लियर है। ओके हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी भाई, पहले बता देते हैं, क्योंकि इनके पास एक हॉरिजेंटल प्लेन होता है। अब देखिए ये वाला, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, देखिए सिस प्लाटीन, ये आप 11th 12th में भी मेरे हिसाब से आप इसे पढ़ते हैं, ये एक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है, एंटी कैंसर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सिस प्लाटीन। तो ये सिस क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि सिस प्लाटीन का फॉर्मूला क्या है, PtNH2 होल ट्वाइस Cl2, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए दो अमोनिया और दो अमोनिया ये हैं, ये दोनों आपस में हैं, तो अगर इनका एंगल आप बनाना चाहेंगे आपस में, तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। और ऐसे ही ये क्लोरीन एक साइड पे लगे हुए हैं, अगर आप इनके बीच में भी एंगल बनाना चाहें, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। और जब 90 डिग्री का एंगल दो लिगेंड एक से सेम करते हैं, तो ये क्या होता है, सिस आइसोमर होता है। ओके अब दूसरा आइसोमर मूव करें, देखिए ये अमोनिया है, ये दूसरी अमोनिया है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन पे है, ये कितने का एंगल बना रहे हैं, 180। ऐसे ये क्लोरीन ऊपर वाला और ये वाला क्लोरीन, भाई ये कितने का एंगल बना रहे हैं, 180 का, तो ये ट्रांस आइसोमर है। तो बस इतना ही तो पहचानना है। तो ए ए और बी बी, तो अगर आप ये ए बी बी इसके चक्कर में भी नहीं पढ़ते हैं, इसको याद नहीं भी करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे कंपाउंड देखें और इस कंपाउंड में आप किस तरीके से सिमेट्री देख सकते हैं, बॉन्ड एंगल देख सकते हैं, इस हिसाब से आप समझा सकते हैं। अच्छा अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, लेकिन बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ओके देखिए हॉरिजेंटल प्लेन तो इन मॉलिक्यूल्स के पास है ही है, जैसा मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन इनके देखिए इस मॉलिक्यूल के पास तो हॉरिजेंटल प्लेन है। हॉरिजेंटल प्लेन का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं एक प्लेन इंसर्ट करना चाहूँ, तो ये प्लेन जो है ऐसे ही जाएगा। तो ऐसे ही जाएगा का मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक सर्किल ये ऊपर वाला अमोनिया है, एक सर्किल ये नीचे वाला अमोनिया, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन। तो अगर मैं इसको यहां से प्लेन इनके बीच में डालना चाहूं, तो इन सबको ये आधा आधा काट देगा, आधा आधा कट कर देगा, हॉरिजेंटल प्लेन। मेरी वेबसाइट में आप देखिए जो मैंने लेक्चर बनाया वहां ज्यादा क्लियर होगा। तो इसके पास एक हॉरिजेंटल प्लेन है, और प्लेन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। अब अगर आप ये दूसरा कंपाउंड देखना चाहते हैं, देखिए इसमें तो बहुत आसान है देखना, अगर मैं एक प्लेन यहां से इंसर्ट कर दूं, इसमें ये डाल रहा हूं प्लेन, देखिए मैं ये वाला, ये वाला, ये मैंने एक प्लेन इसमें डाल दिया, तो देखिए मेरा ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आइडेंटिकल है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसको सिग्मा प्लेन बोलेंगे, ठीक है। इसकी जब प्लेन है, तो इसका मतलब आइसोमेरिज्म नहीं होगी। आपने इतना ही करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करना है, तो आप सिर्फ सिग्मा प्लेन देख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। सिग्मा प्लेन अगर आप देख पाते हैं, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स चेंज हो रहे हैं, अब मेरा कॉम्प्लेक्स है MABCD टाइप। अब ABCD टाइप का मतलब क्या है कि इसमें जो है चारों लिगेंड डिफरेंट होंगे, भाई टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हैं, तो इसके कितना आइसोमर बनेंगे। अब वो ट्रिक जो लोग सिखाते हैं अपने लेक्चर्स में, उसको छोड़िए, आप सीधे से कोई भी रेंडमली लिगेंड्स लगा लीजिए। तो एग्जांपल देखिए, मेरा ये अमोनिया है, मान लो ये ए वाला है, ये मेरा पिरिडीन है, ये बी वाला है, और ये मेरा जो सी है मान लो वो ये क्लोरीन है, ओके, और ये जो मेरा डी वाला है मान लो मेरा ये बी आर है, ये मैंने रख दिया ऐसे करके, ठीक है।
अब इनमें से देखिए एक आइसोमर तो ये बन गया, और इसके पास हॉरिजेंटल प्लेन तो हो गई होगा। अगर ये सब सर्किल है चार की चार लिगेंड, तो सर्किल को हाफ कट 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 करता हुआ ये नजर आएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए अब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं इस पे फोकस करते हैं। तो आप क्या करें, किसी भी एक लिगेंड को हेल्ड कर लें। तो मैं अपने एग्जाम्पल में इस अमोनिया को पकड़ ले रहा हूँ इस जगह पे, बाकी ठीक कुछ नहीं कर रहा हूँ, और बाकी ये लिगेंड लगा दिए। अब दूसरे केस में मैं क्या करता हूँ कि चेंज करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगले केस में देखिए, सेकंड वाले पे आते हैं, तो अमोनिया मैंने फिक्स रखा अपनी जगह पे, बिल्कुल चेंज नहीं किया, लेकिन यहां पे ब्रोमीन और क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन की पोजीशन चेंज करने में देखिए, अभी भी देखिए इन ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। अभी भी ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना, 90 डिग्री। तो आप कहेंगे भाई 90 डिग्री फर्क तो कहीं आया नहीं, बिल्कुल फर्क आया। यहां पे अमोनिया क्लोरीन के साथ भी कितना बना रहा था, 90 डिग्री, लेकिन इस केस में अमोनिया और क्लोरीन का एंगल कितना है, 180 डिग्री। ऑफ कोर्स आप इसको सिस ट्रांस नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए जरूरी है कि आपके पास दो एक से लिगेंड होने चाहिए, जो इस केस में नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ आइसोमर जरूर है। तो एक आइसोमर तो ये बन गया, दूसरा अब तीसरा आइसोमर बनाना चाहते हैं। देखिए अमोनिया को फिक्स रखिए, और अब की बार इन दोनों की, ब्रोमीन की और इसकी पोजीशन स्विच करा दीजिए आप। तो देखिए पिरिडीन को मैंने नीचे डाल दिया, ब्रोमीन को ऊपर कर दिया। तो देखिए अब क्या था, पहले अमोनिया पिरिडीन के साथ कितने का एंगल बना रही थी, इधर 90 डिग्री का, लेकिन अब अमोनिया इस पिरिडीन के साथ कितना बना रही है, यहाँ 180 डिग्री। तो ये इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए। अब इसके अलावा अगर आप इन तीनों की पोजीशन स्विच करके बनाएंगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करके देखिए, तो आपको लगेगा अरे हमने तो फिर से वही बना दिया, क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम आएंगे। अब देखिए पहले केस में क्या था, अमोनिया क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री, लेकिन यहां पे अमोनिया और क्लोरीन के बीच में 180 डिग्री, बाकी के दोनों के साथ पिरिडीन और बीआर के साथ 90 90 है। तीसरे केस में अमोनिया और पिरिडीन के साथ 180 डिग्री, बाकी दोनों के साथ 90। अब इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप बनाएंगे तो वही एंगल का रिलेशन नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीन आइसोमर्स इसमें बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई मतलब ही नहीं। ओके अच्छा, अब देखिए ये एक एग्जाम्पल फिर से आपके पास आ गया। अब की बार मेरा लिगेंड है जो है कॉम्प्लेक्स जो है तो स्क्वायर प्लेनरी, लेकिन ये ए टू टाइप का है। ए टू का मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और इस ए ए टाइप, सॉरी बाइडेंटेड नहीं है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इट्स नॉट बाइडेंटेड। ये दो लिगेंड एक से है, तो मेरे को इसको ए टू लिखना चाहिए था ना, एम ए टू लिखना चाहिए था। चलिए खैर कोई बात नहीं, ऊपर लिखा है मैंने वैसे एम ए टू बी सी, तो बाकी इनको छोड़ दीजिए। अगर दीजिए को सीधे एम ए टू बी सी में आइए भाई, ये कितने आइसोमर बनाएगा। तो देखिए ये तो सेस ट्रांस बने बन सकते हैं, क्योंकि ए टू दो एक से हैं, तो इसमें देखिए दो एक से, मैं तो क्लोरीन एक से मान लेता हूँ ये वाले। अब की बार इन दोनों क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री है। देखिए तो ये कैसा हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ओके, अगर मैं स्विच करके इसको इधर ले आऊँ, तो देखिए इस केस में अब की बार मैंने ब्रोमीन को स्विच करके यहां ले आया, तो अब एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। और जब भी 180 डिग्री पे दो एक से लिगेंड होंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप इसको ऊपर स्विच करवाना चाहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप ऐसा बना लेते हैं ऊपर, चलिए एक प्रैक्टिस के तौर पर इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आप ऐसा बना लेते हैं, अब की बार आप क्लोरीन को यहां ले आते हैं और एक क्लोरीन को यहां रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो क्या? और इसके बाद यहां आई कर देते हैं और यहां बी आर कर देते हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये बनाया तो मैंने बिल्कुल डिफरेंट है जैसे वहां से, लेकिन आप देखिए ना बॉन्ड एंगल्स को अगर आप मेजर करेंगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में 90, तो यहां भी तो क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में 90 ही है, ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में फिर से 90, तो यहां पे भी ब्रोमीन और इस वाले में देखिए ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में 90। ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे तो ये वही आइसोमर रिजल्ट होगा एक्चुअली में, जो आपका पहले बना हुआ है। तो इसके लिए कितना आइसोमर पॉसिबल है, दो ही आइसोमर पॉसिबल है। तो ये वाला और ये वाला जो मैंने बनाया है, ये दोनों एक से नजर आते हैं। कैसे एक से, देखिए ये क्लोरीन और आयोडीन ऐसे 180 डिग्री, और ये ब्रोमीन और ये वाला क्लोरीन ये वाले 180 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री। तो आंखों को लगेगा अलग है, बट दे आर द सेम। तो कितने पॉसिबल है इस केस में, सिर्फ दो ही पॉसिबल है। ठीक है, एंड अगेन द सेम क्वेश्चन, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके नाउ तो अभी तक आपने देखा डिटेल में किस तरीके से हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, किसी भी तरीके के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता सकते हैं. इसके लिए ट्रिक भी मैंने आपको दी, राइट, और लॉजिकल ट्रिक है ये, कॉम्बिनेशंस बनाकर आपकी बनाई गई है, उन्हीं कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड है, आपने डिटेल में देखा. अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखिए, जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज नहीं है, जिनको जो विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो समझें कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता कैसा है. देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये है, इसको समझना पड़ेगा. इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में देखिए दो बॉन्ड ये आपकी तरफ दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है, ऐसे ही दो पीछे मेरी तरफ है. तो अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं या इसको रोटेट, सॉरी टिल्ट नहीं रोटेट कर दूं, तो ये दो आपकी तरफ आ गए. तो ये एक दो तीन चार, ये चार की चार जो आपके लीगेंड्स है, मान लीजिए यहां पे सब पे लीगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो ये एक प्लेन में है. और देखिए इसके बीच में बॉन्ड एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री. मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप ऊपर के दो हटा दें तो ये वही स्क्वायर प्लेन जैसा तो दिखेगा आपका. अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे करके दिखा दूं और दो हटा दूं बीच के, ये मान लीजिए ये हटा दिया, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप, तो स्क्वायर प्लेनर ही तो दिख रहा है आपको ये. तो इन सब के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है. ठीक ऐसे ही ये वाला जो एक अबव लिगेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, एक लिगेंड ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में, ठीक. तो इनके और इनके बीच में भी बॉन्ड एंगल अगर आप मेजर करें, देखिए कितना है, 90 डिग्री है. इसके बीच में भी बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो कभी भी अगर आपने सिस आइसोमर्स देखने हैं तो उन केसेस में लिगेंड्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री होगा. अभी हम डिटेल में देखेंगे सिस आइसोमर्स में. लेकिन अगर आप ट्रांस आइसोमर बनाना चाहते हैं और मान लीजिए आपके पास MA4B2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो लिगेंड आपके सेम है, चार और आपके सेम है, एक चार का सेट है एक दो का सेट है, तो अगर ये दो लिगेंड 90 डिग्री के एंगल में है तो सिस है. लेकिन अगर ये दो लिगेंड 180 डिग्री पे चले जाते हैं तो फिर ये ट्रांस हो जाएगा. तो 180 डिग्री कौन सी पोजीशन हो सकती है भाई, ये वाला देखिए लिगेंड ये, और ये क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है. तो दो एक से लिगेंड अगर यहां पर आ गए तो ये आपका ट्रांस बन जाएगा. ठीक ऐसे ही अगर आप इसको देखें, अब स्क्वायर प्लेनर वाले पार्ट में अगर आप आ जाए, अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं इसको, आप सिर्फ इन चार पे फोकस करिए, ये वाले चार पे, तो देखिए यहां पे एक लिगेंड लगा दूं और यहां पे एक लिगेंड लगा दूं तो ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है. लेकिन अगर वही दो लिगेंड में इन दोनों में लगा दूं तो वो 90 डिग्री हो गया. तो 90 डिग्री वाला तो आपका सिस ही रहेगा. लेकिन अगर सेम लिगेंड ये इसमें अपोजिट स्क्वायर प्लेनर के अपोजिट कॉर्नर्स में चले गए तो ये आपका ट्रांस हो जाएगा. ठीक वैसे ही अगर आप इस वाले को देखें जो इधर आपको दिख रहा है, ये वाला ऐसे ही एक पीछे है, इसको अगर मैं रोटेट करूं तो ये फिर ऐसे आ जाएगा, यहां और यहां की पोजीशन में फिर देखिए स्ट्रेट लाइन पे है तो 180 डिग्री एंगल है तो ये ट्रांस हो जाएगा. तो ट्रांस में आपने 180 डिग्री एंगल देखना है आइडेंटिकल लिगेंड्स के बीच में, ठीक है, और सिस में आपने 90 डिग्री एंगल देखना है. लेकिन इसके बाद देखिए एक प्रॉब्लम और आती है, जो आपके ट्रांस और सिस टाइप के आइसोमर्स होते हैं लेकिन वो फेशियल और मेरिडोनियल होते हैं. मेरिडोनियल दिखती, अगर आप मेरिडियन ले अर्थ के ग्लोब के बीच में, अर्थ के बीच में, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि मेरिडोनियल होता क्या है. लेकिन चलिए उतना कॉम्प्लेक्स उतना आप नहीं जाए, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूंगा, बेसिक चीजों में अगर उतना ना जाए तो मैं इसी मॉडल के हिसाब से आपको समझाता हूं कि मेरिडोनियल और आपके जो फेशियल आइसोमर्स हैं वो है क्या. देखिए फेशियल आइसोमर्स जो होंगे जो एक फेस पे होंगे, ट्राइंगल बनता है अक्सर और उस ट्राइंगल के एक फेस पे होंगे, तो वो ट्राइंगल मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं फेशियल आइसोमर बताता हूं कैसे. देखिए आप फोकस करिए इस बॉन्ड पे, इस बॉन्ड पे और इस बॉन्ड पे. अगर एक लाइन यहां से इधर ड्रॉ कर दें ऐसे करके, इसमें ऐसे लगा देते हैं अगर मान लीजिए, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, एक एक वाली ऐसे ड्रॉ कर दें, एक ऐसे, तो ट्राइंगल बन जाएगा. तो अगर आपके तीन लिगेंड एक से इस पोजिशन पे हैं जो कि एक ही फेस आ रहा ना, ये आपकी तरफ है देखिए, तो ये फेशियल आइसोमर होगा, ठीक है, ये वहां पे यहां पे यहां पे. और अगर मैं इसमें ट्राइंगल बनाऊं, अभी देखिए हम इसको बना के दिखाएंगे कॉपी में आपको, तो वहां से समझ में आएगा डिटेल में क्या. फिलहाल आप ये समझे कि एक फेस का जो ट्राइंगल बनता है ये वाला, इस फेस में अगर तीनों आपके लीगेंड्स हैं तो ये फेशियल होगा. अब मेरिडोनियल में क्या होगा भाई, दो इधर लगा दीजिए, ठीक है, ये देखिए आपकी तरफ आ रहे ना दोनों, एक पीछे लगा दीजिए, तो ये तो आपसे दूर चले गया, यहां पे इस पोजीशन पे अगर मैं लगा दूं तो ये आपका मेरिडोनियल हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल अब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सॉरी ये आप, हाँ मेरिडोनियल हो जाएगा, सॉरी ये 180 डिग्री हो जाएगा, मेरिडोनियल मींस आपका ट्रांस हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों यहीं पर ही हैं तो इसके बीच में भी 90 डिग्री है, इसके बीच में भी 90 डिग्री है, तो ये एक फेस में आ रहे हैं तो फेशियल हो जाएगा। लेकिन अगर एक यहां लगा दें, एक यहां लगा दें, ठीक है, और एक पीछे लगा दें, या एक यहां एक अपोजिट लगा दें, 180 डिग्री का एंगल अगर आ गया तो वो मेरिडोनियल हो जाएगा। तो मेरिडोनियल का मतलब ट्रांस ही है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। मेरिडोनियल अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप उसको ट्रांस माने और 180 डिग्री का एंगल देखने की कोशिश करें। ये वीडियो काफी लेंदी जरूर हो रहा है, लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कहूंगा कि वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो एंड अप्लाई एंड यू विल अप्लाई द सेम लॉजिक टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड इफ यू डू द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दिस यू विल नेवर मिस एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो द अकॉर्डिंग। अच्छा ये तो देखिए, चलिए स्क्वायर प्लेनर की तो बात खत्म हो गई ना, मैंने इतने स्क्वायर प्लेनर आपको बता दिए, बस आपने यही देखना है लीगेंड्स को 90 डिग्री और 180 डिग्री पे लगाइए और डिफरेंशिएट करते हुए चलिए, और बहुत से तरीके हो सकते हैं, कैसे भी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, बस आप यही देखिए कि कैसे बनाने हैं। अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे आर हैविंग द सिक्स लीगेंड्स। अब इसके लिए तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला डायग्राम आप रट लीजिए, वैसे कहना नहीं चाहिए रट लीजिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दे फॉर्मूले हैं रटने ही पड़ेंगे, कुछ कंसेप्ट हैं रटने ही पड़ेंगे, ये रट लीजिए। ये ऑक्टाहेड्रल बना दिया आपने, तो देखिए चार लिगेंड ये है, पांचवा ये अबव द प्लेन, छठा बिलो द प्लेन, और इसकी नंबरिंग मैंने ऐसे करी है, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3, 4, 5 एंड 6। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बताऊं वैसा ही आप नंबरिंग करें, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्या बताया है इससे पहले, आपको ध्यान रखिए, 180 डिग्री का अगर बॉन्ड एंगल है किन्हीं दो लिगेंड्स के बीच में तो वो ट्रांस होंगे, ठीक है, और अगर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो वो सिस होंगे। तो अभी मैंने जब ये स्टार्ट करने से पहले देखिए, बीच में मैंने आपको बताया था एक ऑक्टाहेड्रल मॉडल के हाथ में लेके आपको मॉडल से बताया था कि कैसे 90-90 के एंगल बनते हैं, तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप 90 अगर नहीं भी देखना चाह रहे हैं तो आप 180 देखिए, इसी से ही आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जरा फोकस करिए तो लीगेंड 1 और लीगेंड 6 पे कितने का एंगल बन रहा भाई, 180 डिग्री का। तो दो एक से लीगेंड अगर यहां पे लगे हैं 1 और 6, तो ये पोजीशन है ट्रांस, क्योंकि 180 का एंगल बना रही है। अब एक मान लो लीगेंड 4 है और लीगेंड 2 है, भाई इनके आप बीच में कैसा एंगल है, देखिए यहां से यहां तक 180 है, तो 2 और 4 की पोजीशन भी ट्रांस है। ऐसे ही ये 5 और 3 को अगर आप देखें तो ये भी तो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये भी ट्रांस है। तो 1, 6, 2, 4 और 3, 5 जो 180 डिग्री का एंगल बना रही है ये ट्रांस है, बाकी कुछ भी दो कंपेयर करिए वो सिस होंगी, क्योंकि वो आपस में 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। तो ये इसका सिंपलेस्ट पिक्चर है, ये वाला कॉम्प्लेक्स सा पिक्चर है, तो इसको सिंपलीफाई करके मैंने इधर दिया हुआ है। अच्छा अगर आप अपने मेरे हिसाब से नहीं करके अपने हिसाब से करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप नंबरिंग मेरे हिसाब से नहीं करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने ये बताया है आप ये नहीं करना चाह रहे ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ये जो मैं बताऊँ ये आप रट लें और आपको याद हो जाए, तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि मैंने ये बना लिया, यहाँ बना लेते हैं, ओके ऐसे कर लेते हैं, चलो 1, 3, 2, 5, 4 एंड 6, भाई ऐसे रख लेते हैं। अब की बार ट्रांसपोजिशन क्या है, देखिए ये 1 और ये 5, ये भी तो 180 बना रही हैं, तो अब की बार 1 और 5 ट्रांस हो जाएंगे, और ये वाला 3 और ये वाला 4 ये भी तो स्ट्रेट लाइन पे है, तो 3 और 4 भी इस केस में क्या ट्रांस हो जाएंगे, और ऐसे ही ये वाला 2 और 6 भी तो है, ये 6 है ये 2 है, तो अब की बार ये 2 और 6 ट्रांस हो जाएंगे, बाकी सारे सिस हो जाएंगे। तो बस यही करना है, आप कैसा भी कॉम्प्लेक्स मिले आप लगाइए और एंगल देखिए बस, तो आप देखिए किस तरीके से 90 डिग्री और 180 डिग्री सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर रहा है। आइए देखते हैं किस तरीके से आइसोमेरिज्म हम इसमें बता सकते हैं। सो ट्रांस याद कर लीजिए, बाकी सारी सिस हो जाएंगी 90 डिग्री के एंगल वाली। ओके नाउ गाइस, यहां से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला कॉम्प्लेक्स है मेरा MA6 टाइप, जहां पे सारे लीगेंड 6 की 6 आइडेंटिकल हैं, तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, और आपको पता है कि जब सिमेट्री होती है तो किसी तरीके की आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती,
तो इसमें नो ऑप्टिकल नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपके पास पांच भी एक तरीके के हैं और एक ही डिफरेंट है तब भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं आइसोमेरिज्म का। हाँ, अगर इसमें से दो अगर आपके सेम हो जाए तब बन सकता है। अब देखिए मेरा कॉम्प्लेक्स क्या आ गया, MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। अब इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने, तो नीचे मैंने क्या लिखा है देखिए, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखा हुआ है। ऑप्टिकल के लिए नो ओए लिख रहा हूं, ओए का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है इसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ओके, नाउ अब मैंने क्या ट्रिक बताई है आपको कि सिस और ट्रांस पहचानने, तो भाई देखिए आपको बी तो दो दे रखे, बस बी की पोजीशंस देख लीजिए। तो मान लीजिए ये बी जो है मेरी, ये है इस केस में बी वाले जो है वो क्लोरीन है, चलिए ऐसे मान लेते हैं। ओके, सी एल लिख देते हैं, और ए वाला जो है मेरा वो अमोनिया है। चलिए अब देखिए, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। मैंने आपको बताया कि ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे तो है नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे होते तो 180 का एंगल होता, तब वो ट्रांस होता, लेकिन ये एंगल 180 नहीं है, तो दूसरा एंगल सिर्फ कौन सा बचता है भाई, 90 तो बचता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हाँ अगर स्ट्रेट लाइन में नीचे आता तब वो आपके ना 180 हो जाता, तब वो ट्रांस हो जाता। तो ये कैसा आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है, और इस सिस आइसोमर का कलर देखिए कैसा है, ब्लूइश वायलेट है इसका कलर। अब इसी का ट्रांस बनाना है, तो देखिए दो ही लिगेंड तो हैं जो डिसाइड करेंगे, आपकी 90 है, दूसरे में इसको 180 पे लगा दीजिए। तो आपने देखिए एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया आपकी बार 180, और जब दो लिगेंड्स के बीच में 180 डिग्री एंगल हो गया, ऑब्वियसली दे आर ट्रांस, ये अपोजिट फेसेस में जा रहे हैं। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस आइसोमर MA4B2 टाइप ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें इसी तरीके की आइसोमेरिज्म आपको नजर आएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या बात आ रही है कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी इस केस में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैं मना कर रहा हूं। अब क्यों नहीं होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मैंने एक ही फंडा आपको बताया, प्लेन डालने की कोशिश करो भाई। एक बार अगर आपने प्लेन डाल दिए कोई, और प्लेन डालते ही आपको लगेगा अगर कि किस तरीके से प्लेन आ रहे हैं, सिमेट अगर आपको सिग्मा प्लेन मिल जाता है तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा भाई ठीक है इसमें किसी तरीके की आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे नहीं हो रही है देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहां से, देखिए इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे दोबारा, इरेजर ले लेते हैं। ओके ओके ओके, तो सिग्मा प्लेन चेक करते हैं भाई, तो मैं अब सिग्मा प्लेन चेक कर रहा हूं। अब देखिए कैसे, देखिए मैं यहां से एक प्लेन डालता हूं, ये वाला प्लेन यहां से कट कर देता हूं, इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं ये प्लेन डाल रहा हूं तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये प्लेन ऊपर से आता है ऐसे करके नीचे को कट करता हुआ चलता है। तो जब ये प्लेन नीचे की तरफ को कट करता हुआ आता है तो ये लिगेंड और ये लिगेंड ये प्लेन में ही कट जाते हैं, और इनको हम रिगार्ड नहीं करते हैं, तो इनको हम देखेंगे ही नहीं कि भाई ये क्या है। तो जब भी आप प्लेन डालें ऐसे, ठीक है, इस प्लेन स्क्वायर वाले जो ये आप चार लिगेंड हैं इनमें प्लेन डालें तो ये ऑटोमेटिकली कट माने जाते हैं, तो इन पे आप फोकस ना करें। तो अब ये प्लेन आपका कट कर गया बीच से, जिसमें ये भी कट कर गए, प्लेन में ही आ गए। तो अब देखिए ये वाला हाफ और ये नीचे वाला हाफ, ये तो एक से ही है ना, यहां पे देखिए NH3 और यहां पे भी NH3। तो ये वाला जो प्लेन मैंने डाला था ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा प्लेन है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो कि ऐसे डायगनली कट कर रहा है, तो इस प्लेन को अगर मैं ऐसे करना चाहूं तो ये कट कर रहा है। बस ध्यान ये रखना है आपने बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कि ये जो पहला फर्स्ट और सिक्स्थ वाला लिगेंड है ये भी ऐसी कट करते हुए नीचे को आ जाते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा वाला, देखिए इसमें भी तो है, अब इसमें मैं प्लेन का बीच से कट डाल दे रहा हूं, यहां से डाल देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन ऐसे है, ऐसे चला गया, तो ये दिख ऐसे रहा है, लेकिन आपको पता है कि कैसे होगा, ये आधा प्लेन, ये आधा पार्ट इसका होगा बिलो द प्लेन और आधा होगा अबव द प्लेन, तो इसको इसने कट कर दिया। जैसे ही आप इस प्लेन को डालेंगे तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ कैसा है, आइडेंटिकल है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब सिग्मा प्लेन आ जाएगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, इसीलिए इस केसेस में MA4B2 ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। लेकिन हाँ ज्योमेट्रिकल है तो ठीक है, इसका कलर वॉयलेट है, इसका ग्रीन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैसा भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, बस आप लीगेंड को पहचानिए तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, और अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, इवन मेरी क्लासेस के दौरान भी कई बार कोऑर्डिनेशन में बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे हो गया। तो मैंने ये अभी आपको जब स्टार्ट किया था वीडियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू किया था आफ्टर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देन आई सॉ यू अ मॉडल, विद द हेल्प ऑफ द मॉडल आई हैव मेड सम ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल अगर एक ही तरफ बन रहे थे तो फेशियल था, दूसरी तरफ बन रहे थे तो मेरिडोनियल था। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा है, एम ए थ्री बी टू टाइप है, जिसमें तीन लीगेंड एक से हैं और बाकी दो एक से हैं, छठा आपका अलग है बिल्कुल, तब इस केस में भी सिस और ट्रांस आइसोमर बनते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर इनको फेशियल और मेरिडोनियल कहना होता है। अब मेरिडोनियल आप देखिए अर्थ के मेरिड, जो आपका आप मेरिडियन लाइन खींचेंगे तो वहाँ से समझ में आता है, बेसिक ज्योग्राफी अगर कोई जानता है 9th-10th की तो वहाँ से समझ में आता है। चलिए अगर वो नहीं भी आता है तो मैं और सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको। तो ये क्या है, एम ए थ्री टाइप। अब पहले सिस और ट्रांस देख लीजिए, तो सिस ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में होंगे भाई, जो दो एक्से हैं उसी की रिस्पेक्ट में होंगे। ट्रांस कब होगा, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 180 होगा, और अगर 180 नहीं है तो फिर आपका वो सिस हो जाएंगे। आप देखिए तो इस केस में जो मेरे दो एक से लिगेंड है भाई कौन से हैं, ये अमोनिया और ये अमोनिया है, ठीक हो गया। तो इस केस में इनके बीच में एंगल कितना लग रहा भाई, 90 डिग्री तो है, और जब 90 डिग्री होगा तो ये सिस होते हैं। तो बेसिकली जो सिस आइसोमर हैं वही क्या होते हैं, फेशियल आइसोमर होते हैं। तो फेशियल आइसोमर का मतलब क्या होता है कि जो तीन लीगेंड हैं वो ऐसी पोजीशंस पे जुड़ते हैं जाकर कि एक ट्रायंगल रिजल्ट होता है, और वो ट्रायंगल एक ही तरफ से आता है, एक ही फेस में होता है। तो फेस समझते हैं किसको क्या होता है, देखिए अभी तो मैं इसमें बताता हूँ, एक फेस ये बन रहा है देखिए सीधे सीधे, ठीक है, तो ये फेशियल आ गया, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप चेंज कर देंगे पोजीशन तब आप देखिए चेंज हो सकता है। अब मैं क्या करूं, देखिए एक तो ये समझ में आ गया फेस, ये मैंने आपको मॉडल से बताया था, वहां से ज्यादा बेटर समझ में आएगा, या आगे एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर होगा आपको। अब देखिए ये इसका दूसरा आइसोमर है, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, मर आइसोमर, बेसिकली इट इज मेरिडोनियल, और मेरिडोनियल आइसोमर होते हैं ट्रांस। अब अगर ट्रांस की बात चल रही है तो दो लिगेंड्स जो थे एक से उनके रिस्पेक्ट में तो चल रही होगी, तो उनको 180 पे लगाना है आपने, तो ये आपने 180 पे लगा दिया, ये भी आपने 180 पे लगा दिया, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया। तो ये फेशियल है, ये मेरिडोनियल है, फेशियल सिस, मेरिडोनियल ट्रांस, इन दोनों का आपने 180, देखिए 180 का आ गया ना ये, तो दो आइसोमर तो ये बन गए। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मैं इनकी पोजीशंस को चेंज करना चाहूँ, अब देखें कैसा है इस केस में, देखिए इस केस में अगर ये वाला एग्जाम्पल आप देखते हैं, ये वाला, ये क्लोरीन को देखिए आप, ये क्लोरीन ने इस NO2 के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री, ये वाला क्लोरीन ने इस NO2 के साथ कितना बनाया, फिर से 90 डिग्री, लेकिन इसके साथ कितना बना दिया, 180 डिग्री के साथ। इसका मतलब मेरी ये क्लोरीन जो एक्स्ट्रा थी दो NO2 के साथ 90 और एक के साथ 180 बना रही है, लेकिन किसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये क्लोरीन मेरी तीनों के साथ 90 बना रही है, वाह देखिए कितना बढ़िया है, तीनों के साथ 90 बना रही है, ठीक। अब यहां पर भी मेरी क्लोरीन तीनों के साथ 90 ही बना रही है, क्लियर है, लेकिन दो जो अमोनिया बच रहे थे उनमें से एक अमोनिया के साथ 180 का बना रही है एंगल, ये देखिए, और यहां पे देखिए 90 था अमोनिया के साथ, इन केसेस में भी अमोनिया के साथ 90 था, लेकिन यहां पे 180 बना रही है। तो अब आइसोमर तो बन गया ये बिल्कुल, अब आप इसको ना तो फेशियल बोल सकते हो ना इसको मेरिडोनियल बोल सकते हो, क्योंकि मेरिडोनियल के लिए दो एक से लिगेंड ट्रांस होने चाहिए, वो नहीं है, ठीक है, और फेशियल के लिए आपके तीनों एक ही फेस पे होने चाहिए, वो भी नहीं है, तो तीसरा आइसोमर ये बनेगा आपका। तो इस तरीके से आप देखें कि तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस केस में पॉसिबल है। तो बस आपने वही बना बना के हिट एंड ट्रायल करके देखना है, बाकी जो ट्रिक आपको सिखाई गई है इससे पहले और लोग वीडियोस में बनाई हुई है, वहां से देखना चाहें तो उसे भी आप देख सकते हैं। अब चलिए इस केस में भी तो देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये मना ही कर रहा है, कह रहा नहीं होगी, ओके यू कैन सी हेयर, ये ऑप्टिकल नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो ठीक है भाई, बताइए क्यों नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं कि क्यों ऑप्टिकल एक्टिविटी किस केसेस में नहीं हो रही है,
ठीक है, तो उसको बताने के लिए सबसे पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर आप देखेंगे, मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन यहाँ से डाल देता हूँ, तीसरा वाला पहले ले लेते हैं भाई ताकि परेशानी ना हो। तो ये प्लेन कट गया ऐसे करके, ठीक है, लेकिन ये प्लेन मैंने पहले बताया इनको तो रिगार्ड करना ही नहीं है, इनको काटते हुए आता है बीच में, तो ये प्लेन में ही आ जाते हैं, तो कट जाते हैं। अब देखिए ये वाला हाफ बॉटम लेफ्ट, ये वाला हाफ राइट टॉप, ये आइडेंटिकल है, तो ये सिग्मा प्लेन हो गया। और जब ये सिग्मा प्लेन हो गया तो किसी भी तरीके की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक ऐसा ही ये वाला भी एग्जाम्पल अगर आप देखें, तो मैं यहाँ से फिर से प्लेन डाल देता हूँ भाई ऐसे करके। अगर ये प्लेन मैं यहाँ से ऐसे कट कर देता हूँ, तो भाई ये दोनों भी तो प्लेन में कट गए, इनको तो रिगार्ड करना नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब देखो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये प्लेन भी क्या है, सिग्मा प्लेन है, तो इसमें भी किसी तरीके की आइसोमेरिज्म आपकी पॉसिबल है ही नहीं। अब बात आती है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें किस तरीके से आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखिए इसको भी मैं बताता हूँ कैसे हैं। इसमें क्या करें, आप ऊपर से प्लेन डालिए और वो प्लेन बीच से काट दे, इसको ऐसे कट कर दे बीच से ऐसे, ठीक है, ये कट कर दिया। अब क्योंकि प्लेन ऊपर से नीचे की तरफ पूरा जा रहा है, तो मैंने बताया भाई इनको तो भूल जाओ, इनको तो इज्जत देनी नहीं है। अब देखो ऊपर वाला हाफ, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एंड व्हेन दे आर आइडेंटिकल ऑफ कोर्स प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आपने सिर्फ 90 डिग्री, 180 डिग्री और सिग्मा प्लेन इतना ही सीखना है, तो बाकी सारे के सारे आइसोमर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके चलिए अब, अच्छा ये अब देखिए फिर से वही फेशियल और मेरिडोनियल वाली बात आ रही है। तो आपकी बार में पास MA3B3 टाइप का है, तो इसमें तो खैर संख्या कम हो जाएगी, आइसोमर्स के नंबर कम हो जाएंगे क्योंकि इसमें सिमेट्री ज़्यादा मिल रही है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा सिमेट्री होती है तो आइसोमर्स कम होते हैं, और जब सिमेट्री नहीं होती है, एसीमेट्रिक मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है तो आइसोमर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़्यादा सिमेट्रिक लग रहा है क्योंकि तीन लिगेंड एक से, तीन एक से, तो इसमें दो ही आइसोमर बन रहे हैं, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मना कर रहा है ये भी। तो देखिए इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, देखिए ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, ये सब एक ही प्लेन में है। तो अगर आप एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये ट्राइंगल एक ही फेस में तो आ रहा, तो ये फेशियल आइसोमर है। फेशियल आइसोमर्स का मतलब है कि सिस पोजीशंस नजर आएंगी, ट्रांस इसमें नजर नहीं आएगी किन्हीं भी ए और बी टाइप के लिगेंड्स के बीच में। अब इनमें से चाहे ये बी को ए को, किसी भी ए बी को कंपेयर कर लो, किसी में भी 180 डिग्री का एंगल होगा ही नहीं। देखो इस ए और बी में कितने का एंगल है, 90 डिग्री, ठीक हो गया। इस सॉरी इस ए और इस ए में कितने का है, इस वाले ए में और इस वाले ए में 90 डिग्री, ओके। इस बी में और इस बी में कितना है, 90 डिग्री। इस बी में और इस बी में कितना है, 90 डिग्री। इस ए में और इस ए में कितना है, 90 डिग्री। इस ए में और इस ए में कितने का है, 90 डिग्री। तो सब 90 डिग्री है, एक ही फेस में बन रहा, फेशियल आइसोमर है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, दो 100 के बीच में, एक से लिगेंड्स के बीच में आपने 180 डिग्री का एंगल डाल दिया, तो ये ट्रांस हो जाएगा ना अपने आप, तो ये मेरिडोनियल हो जाएगा, मर आइसोमर कहलाते हैं। तो ये पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, बस वहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अमोनिया आ गया। तो एक फेस में फेशियल, और या आपका देखें सारे सेस 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे आप देखें दो अमोनिया जो दो एक से लिगेंड हैं, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल। जब 180 डिग्री आ गया तो मेरिडोनियल ट्रांस हो गए। अच्छा अगर आप दूसरा भी कोई बनाना चाहेंगे तो वो बनेगा ट्रांस ही, फिर आपका वो आपको लगेगा डिफरेंट है लेकिन होगा सेम ही। तो सिर्फ दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें भी पॉसिबल है, और ठीक वैसे ही सिग्मा प्लेन्स जैसा कि इससे पहले वाले मॉलिक्यूल्स में आपने इंसर्ट किए हैं, वही सिग्मा प्लेन आप यहाँ पे डालिए, तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का आइडिया कैसे मिल सकता है, देखिए मैं दोबारा से प्लेन आपके लिए डाल रहा हूँ, और अब की बार चलिए हाइलाइटर के फॉर्म में डाल रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके ये वाला कलर ले लेते हैं। तो प्लेन कैसे डालना है भाई, यहाँ से कट कर देते हैं, ऐसे प्लेन डाल देते हैं इसके बीच में। जब आप ये प्लेन ऐसे डाल दोगे, ठीक है भाई, याद रखिए कि ये प्लेन में कटते हुए आगे भी इनको रिगार्ड नहीं करना है, ठीक है।
तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ एक सा है, तो ये प्लेन सिग्मा प्लेन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। और इस वाले में अगर आप देखें तो ऊपर से आप प्लेन डालना शुरू करें ऐसे करके, है ना, इसको धीरे धीरे नीचे को बढ़ाइए प्लेन को, तो ऐसे ऐसे डालते चलिए तो बीच से ये काट देगा इसको ऐसे। तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आइडेंटिकल है, तो ये भी सिग्मा प्लेन है, ये भी आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल शो नहीं कर पाएगा। ओके, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज अनदर डिफरेंट केस, और ये केस देखिए थोड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने में। तो यहां पे देखिए MA3BCD, तीन लीगेंड एक से हैं और BCD अलग है। तो अब की बार क्या करना है भाई, कई आइसोमर्स में इन तीनों को 90 डिग्री का एंगल देना है और कई आइसोमर्स में इनमें से किसी दो को 180 देना है। तो जहां तीनों आपके 90 डिग्री एंगल में होंगे वो फेशियल या सेस होगा, जहां पे इनमें से कोई भी दो 180 चले जाएंगे वो ट्रांस हो जाएगा। तो देखिए इस वाले को देखिए, तो इसमें देखिए ए और ए, ये दोनों ए हैं, इनको मैंने कितने का एंगल दे दिया भाई, ट्रांस कर दिया ना इनको। जैसे ही मैंने इनको ट्रांस किया तो ये मेरिडोनियल हो जाएगा। अब ये वाला फेशियल, फेशियल में देखिए अब इसके बीच का एंगल कितना 90, इनके बीच का एंगल कितना 90 और इसके बीच का एंगल भी कितना 90। तो जब तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये आपका फेशियल आइसोमर होगा, और फेशियल आइसोमर हमेशा आपके जो होते हैं एक फेस पे एक ट्रायंगल बनाते हुए नजर आते हैं। तो वो ट्रायंगल कैसा है देखिए, ये और ये, तो तीनों लाइन देखिए सॉलिड दिखाई गई है ना, तो एक ट्रायंगल एक ही फेस पे बन रहा, ये सब आपकी तरफ निकलते हुए बॉन्ड है तीन की तीन, ठीक है। और जबकि इस केस में अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये वाले दो ये बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन ये आपकी तरफ निकले हुए हैं, तो ये आपके आइसोमर एक से एक ही ट्रायंगल जो है आपका वो नहीं बन सकता, इसलिए मेरिडोनियल है। अब अगर इसके बाद की पोजीशंस आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि टोटल चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो अब की बार देखिए अब दूसरे वाले में हम क्या करते हैं भाई, ए को तो फिक्स रखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अब इनमें से देखिए इनकी पोजीशन, तो सी को इधर ले आइए और बी को इधर ले आइए, तो अगला ये बन जाएगा, तो ये भी मेरिडोनियल ही है, लेकिन इसमें क्या है पोजीशन चेंज कर दी है। डी और सी में यहां पे देखिए कितना था 180, लेकिन यहां पे डी और सी में 90 हो गया है, तो ये आपका अनदर मेरिडोनियल आइसोमर है, क्योंकि दो तो ट्रांस अभी लगाए हुए हैं। ऐसे ही इस वाले को आप देख लें, इस वाले में हम क्या करते हैं कि भाई इसको तो आपने क्या बनाना है, फेशियल बनाना है, तो फेशियल बनाने के लिए आप देखिए सबको 90 डिग्री रखना पड़ेगा, तो ये ए ये ए ये ए तीनों 90 डिग्री पे ही है, और अगर फिर से इनका ट्राइंगल बनाऊं तो एक ही फेस पे बनेगा, तो ये आपका फेशियल आइसोमर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ट्रांस रख दूं तो मेरिडोनियल तो जरूर है। पोजीशन अब की बार देखिए ए और बी की स्विच करवा देते हैं, तो यहां पर बी और यहां पर ए, जबकि इस केस में दोनों ए थे, यहां पे ए और डी थे, तो ये तीसरा आइसोमर बन जाएगा। ऐसे ही आप अगर कोशिश करेंगे तो ये चौथा भी बन जाएगा। तो चौथा आइसोमर कैसे बनते हुए नजर आ रहा, देखिए ये है अभी भी फेशियल क्योंकि एक ही फेस पे बन रहे हैं, लेकिन अब की बार हम ए और बी की पोजीशंस भी यहां पे चेंज कर दे रहे हैं, तो इस तरीके से आइसोमर्स। तो इससे अगर आप चार पांच बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए बस मैंने वही बताया, आप इसमें प्लेन्स को चेक कर लीजिए, अगर आपका कहीं से सिग्मा प्लेन नहीं आ रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और सिग्मा प्लेन आ रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आपके लिए मैं एज एन एक्सरसाइज होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, अगर आप इसमें प्लेन नहीं डाल पा के नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जरूर मेरे को लिखिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये एज होमवर्क आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ओके, इसके बाद देखिए अब जो है फिर से ये जो इससे पहले वाला था वो तो डिफरेंट था, अब ये वाला अगला एग्जांपल आ गया है, और इस एग्जांपल पे मैं आपको MA2B2C2 ये बना रहा हूँ, तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है। देखिए इसमें छः लीगेंड टोटल हैं, लेकिन जो आपके लीगेंड्स हैं वो दो पेयर में बने हुए हैं, तीन पेयर बने हुए हैं, तो इस केस में आपके पाँच ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो पांच ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बन सकते हैं देखिए, तो सबसे पहले सिस बना दीजिए, तो सिस बनाने का मतलब क्या है कि जितने जो आइडेंटिकल हैं, देखिए क्लोरीन क्लोरीन दो एक से हैं 90 डिग्री,
दो पिरिडीन इनके बीच में भी 90 डिग्री, दो अमोनिया इनके बीच में भी 90 डिग्री, तो सिस है। अब अगर आप इन दोनों को अलग अलग कर दें तो एक ट्रांस बन जाएगा इससे। अब दूसरी बार में दो पिरिडीन्स, देखिए ये पिरिडीन यहां से देखिए ये कितने 180 का बना रहा ना ऐसे करके, ठीक है, और अमोनिया यहाँ पे कितना बना रहा, 180 डिग्री बना रहा। तो अब की बार क्या करिए भाई, देखिए अमोनिया को 90 कर दीजिए, तो 290 ये हो गए, ये भी 90 लेकिन ये 180, तो ये भी एक तरीके का ट्रांस आइसोमर नजर आ रहा है इस केस में, ठीक है, क्योंकि दो पिरिडीन इसमें अलग अलग लग रहे हैं आपके, ठीक है। चौथे केस में फिर से देखिए क्या करें कि अमोनिया को सेम रख के पिरिडीन्स को 90 पे ले आइए। अभी तक तो देखिए 90 पे किसी में थे नहीं, सिर्फ इस वाले में थे, लेकिन वो सिस था, इसमें 180, इसमें 180, लेकिन इनमें अब की बार ये पिरिडीन 90 बना दीजिए, तो एक आइसोमर ये बन जाएगा, ठीक है। अब की बार दूसरे में फिर से ये अमोनिया से ट्रांस बना दीजिए, अमोनिया को ऐसे रख दीजिए, तो जैसे ही आप अमोनिया रखेंगे तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो जाएगा। तो अभी इससे पहले तक आपने अमोनिया को सिर्फ एक ही कंडीशन में यहां पर देखा था ट्रांस, ठीक है, लेकिन उस केस में क्लोरीन भी ट्रांस थे, लेकिन यहां पे अमोनिया तो ट्रांस है लेकिन क्लोरीन सिस है। तो आप टोटल पांच अरेंजमेंट तो कर पा रहे हो, और अगर टोटल पांच अरेंजमेंट आप कर पा रहे हैं तो पांच ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस केस में बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और अगर आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना चाहती चाह रहे हैं तो इसमें देखिए पहले ही मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी सारे नहीं है। इसका मतलब इन सब में क्या होगा, इन सब में सिग्मा प्लेन कहीं ना कहीं से इंसर्ट हो रहा होगा। तो ट्राई करें, अगर आप चाहें तो देखिए देख सकते हैं कि कैसे सिग्मा प्लेन इसमें मैं एंटर कर सकता हूँ। तो इस वाले के लिए सबसे पहले सिग्मा प्लेन डालते हैं, तो हॉरिजेंटली कट कर देते हैं, इसको ऐसे कट कर देते हैं, तो ये हॉरिजेंटल प्लेन है। ये प्लेन अगर आप डाल दोगे ऐसे करके, तो देखिए ये वाला हाफ क्लोरीन और ये वाला हाफ आइडेंटिकल है, तो सिग्मा प्लेन आ गया, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। और इस वाले केसेस में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस केस में भी मैं यही हॉरिजेंटल प्लेन डाल देता हूँ, ये वाला प्लेन डाल दिया, ये प्लेन में आ गए, बाकी ये वाला और ये वाला ये फिर से सिग्मा प्लेन, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही मैं इसमें भी यही प्लेन डाल सकता हूँ, हॉरिजेंटल प्लेन देखिए, तो अमोनिया अमोनिया ऊपर आ जाएंगे, और ऐसे ही ये प्लेन, तो इसमें और सारे भी सिग्मा प्लेन होंगे, लेकिन आपका सिर्फ एक ही सिग्मा प्लेन देखने से काम चल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, राइट। अच्छा एक एग्जांपल और है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ वीडियो की बढ़ती जा रही है, वही सिग्मा प्लेन आपने देखना है और कुछ नहीं करना है, ओके। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ द लेक्चर इज योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद द बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो यहाँ पे देखिए बाइडेंटेड लिगेंड्स दोनों एक लिगेंड है, तो बाइडेंटेड है तो 3 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहेगा। तो जब ये सारे ही एक से है ना, तो इनमें किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री चेंज नहीं कर सकते, रिजिड हो जाता ना, काफ़ी रिजिड हो जाते हैं ये, तो ज्योमेट्री इनकी चेंज नहीं होती है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें नहीं होगी जब तीनों एक से हो जाएंगे। हाँ अब इसमें किसी तरीके से सिग्मा प्लेन भी नहीं डाल सकते आप। हाँ देखिए इस प्लेन इसको आप नहीं डाल सकते क्योंकि ये जो रिंग बन रही है ना, ये सब अलग अलग फेजेस में है, ये आपकी से फॉर एग्जाम्पल बिलो द प्लेन है, ये वाली रिंग आपकी अबव द प्लेन हो जाएगी और ये वाली प्लेन में हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर किसी भी तरीके से सिग्मा प्लेन नहीं आ सकता, सिग्मा प्लेन नहीं आएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसको आप मिरर के सामने रिफ्लेक्ट कर लीजिए तो इसका एल फॉर्म बन जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये बाइडेंटेड लिगेंड अगर लग रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं क्योंकि किसी भी तरीके से सिग्मा प्लेन इनमें इंसर्ट नहीं किया जा सकता, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब की बार भी देखिए वही है, लेकिन अब की बार जो लिगेंड है उस लिगेंड में ये ए बी टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो बाइडेंटेड, लेकिन डोनर आइटम इसमें अलग अलग है। तो देखिए डोनर ये ग्लाइसिन का लिगेंड हमने ले रखा है, तो ग्लाइसिन देखिए क्या करती है ना, एक बार तो नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज करती है और एक बार ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज करती है। तो इन सब केसेस में देखें नाइट्रोजन के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज, नाइट्रोजन के थ्रू और ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज, ठीक है। तो इस केस में इन सब के बीच में अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है, तो इन सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल है,
ओके भाई, ये वाला ग्लाइसिन 90 डिग्री है। इसको ये मत सोचिए कि ये नीचे ऑक्सीजन मत देखिए आप, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये 90 डिग्री बनाते हैं, ऐसे ये वाला भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री है, तो फिर ये आपका सिस आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको आपने ट्रांस करना है तो ट्रांस के लिए आप क्या करेंगे, देखिए नाइट्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन बॉन्डिंग यहां पर थी, ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहां थी, ट्रांस करने के लिए बॉन्डिंग चेंज कर दीजिए, अब की बार यहां ऑक्सीजन से कर दीजिए, इधर नाइट्रोजन से कर दीजिए। तो जब आइडेंटिकल ऑक्सीजन कर रहे हैं तो सिस है, जब डिफरेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कर रहे हैं तो ये आपका ट्रांस है। और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि सिग्मा प्लेन तो डाल नहीं सकते। इसको मिरर में रिफ्लेक्ट कराइए तो ये मिल जाएगा, इसको मिरर में रिफ्लेक्ट कराइए तो ये मिल जाएगा। तो दो पेयर इनेंशियोमर्स के हैं और दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी इसमें नजर आ रही है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चार ऑप्टिकल आइसोमर नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें अगला जो कॉम्प्लेक्स मैं ले रहा हूं, इस कॉम्प्लेक्स में देखिए वही बाइडेंट, दो तो बाइडेंटेड लिगेंड है और दो बी2 है, तो ये ज्यादा आसान है अगर आप इसमें बनाएं तो। इस केस में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों ही होगी। तो पहले सिस की बात कर लेते हैं आप, तो ये थोड़ा सा आसान नजर आता है। देखिए बी2 एक जैसे लिगेंड है, तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन को आप क्या करिए अलग अलग लगा दीजिए, तो ये ट्रांस हो जाएगा अपने आप। और जहां पे क्लोरीन 90 डिग्री के एंगल में होंगे वो सिस होंगे। तो इस मॉलिक्यूल के लिए दो सिस नजर आ रहे हैं, एक ट्रांस नजर आ रहा है। आप देखिए जो सिस वाला है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से सिग्मा प्लेन आप नहीं डाल सकते हैं। ओके, अगर आप ट्राई भी करेंगे तब भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये एक फेस पे, ये अलग फेस पे, तो ये मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से सिग्मा प्लेन नहीं लेता। लेकिन इस केस में सिग्मा प्लेन है। भाई कैसे सिग्मा प्लेन है आप कहेंगे, कैसे हैं, तो दो दो सिग्मा प्लेन तो साफ नजर आ रहे हैं इसमें। भाई अगर मैं इसको यहां से ऐसे डाल दूं तो ये सिग्मा प्लेन है ना, ये वाला, तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, देखिए ये 90 बना रहे, ये भी 90 बना रहे, सॉरी ये 180, ये भी 180, दोनों 180 पे हैं। तो ये दो हाफ आइडेंटिकल हैं, और ये दो हाफ अगर आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये सिग्मा प्लेन है। ऐसे ही इसमें भी आप सिग्मा प्लेन डाल सकते हैं, ऐसे 20 से जो ऊपर से कट करते हुए आएगा। तो ये मीजो फॉर्म है बेसिकली। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नजर आती है साथ ही साथ, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिविटी सिग्मा प्लेन की वजह से है, तो मीजो जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला स्लाइड। ठीक है, तो ये मेरे हाथ से बने हुए हैं, तो इन केसेस में भी आप देखिए देखना काफ़ी आसान रहता है। तो दो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, कैसे बनेंगे भाई, बी और बी दोनों को ट्रांस कर दीजिए, एक ये बन जाएगा, ये बाकी में आप सारे बी को 90 डिग्री रख दीजिए। भाई इनमें तो तीनों 90 डिग्री हैं, तो सिस इनमें दो आपके ये चले गए किस में, 180 में, तो ये ट्रांस हो जाएगा। बाकी तो ये आपका एक बाइडेंटिटी है, ये इतना फ़र्क डाल नहीं रहा है। ठीक है, हाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसमें से आपके जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो कौन से दिखा सकते हैं भाई, यही वाला दिखा सकता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, पहले वाले में ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इसके पास क्या है, एक सिग्मा प्लेन है। तो वो सिग्मा प्लेन कैसे है देखते हैं, देखिए यहां से कट कर देते हैं इसको, ऐसे एक हॉरिजेंटल प्लेन इंसर्ट कर देते हैं, इसको कट करते हुए जाएगा, तो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ आइडेंटिकल है। तो दो ग्रुप जब अपोजिट होते हैं तो इसके पास सिग्मा प्लेन होता है, और सिग्मा प्लेन है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जबकि इसमें आप नहीं डाल सकते। जरा ट्राई करिए तो कैसे डाल सकते हैं, क्या अगर ऐसे डाल दूं तो क्या सिग्मा प्लेन है, नहीं है। ऐसे अगर डाल दूं तब भी नहीं है, क्योंकि बी अलग है और सी अलग है, तो कैसे भी नहीं आ सकता इसमें। ओके, तो एक पेयर इनेंशियोमर्स का ये बना रहा है, और ऐसे ही फिर ये अगला भी आपको नजर आ रहा है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस अब लगभग लगभग इसमें हो चुकी है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप बहुत आसानी से देख के समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए B2 दो एक से अगर आप अपोजिट डाल दीजिए, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ये देखिए भाई, इसको दोनों को अपोजिट डाल दिया ट्रांस, यहाँ पे दो क्लोरीन डाल दिए अपोजिट, तो ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ट्रांस या अमोनिया के रिस्पेक्ट में ट्रांस। ओके, और जब ट्रांस होते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन सिस वाले में ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें दोनों अमोनिया 90 पे हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये क्लोरीन 90, ये क्लोरीन 90, तो किसी तरीके से सिग्मा प्लेन नहीं आएगा इसमें, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि नीचे वालों में सिग्मा प्लेन रहता ही रहता है। कैसे भाई, 20 से कट कर दीजिए इसको, सिग्मा प्लेन है यहाँ से ये पूरा, अगर मैं इसको शेडेड कर दूँ तो।
और ऐसे ही ये वाला भी वही होता है। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल के केसेस में भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर से एक ये वही कॉम्प दोबारा से इसको बनाया गया है, वही कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। देखिए रिंग यहाँ पे दिखा रखी है ना मैंने, ये यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से ये रिंग बनती है ये। अब ये ऐसे सर्किल जैसे बनाती है ये इस तरीके से। अब ऐसे ही कोई यहाँ पर है तो वो अलग होगा, तो इसमें सिमेट्री प्लेन आते नहीं है जनरली, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। एंड से ये शायद मेरी लास्ट स्लाइड है और इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म होता है। एम ए बी और बी टू, और वही लगभग वही चीज़ है। अब की बी टू और सी टू में फिर से आपने वही बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए 2 बी आपने क्या करे, अपोजिट डाल दिए, ट्रांस हो गए। 2 सी अपोजिट डाल दिए, ट्रांस हो गए। तो ये ट्रांस वाले तो ऑप्टिकली एक्टिव होते नहीं, तो किसी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर जरूर हैं, ट्रांस अलग अलग तरीके के, ठीक है। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हैं। देखिए ये सिस कर दिया, बी और सी लगाकर सिस है, लेकिन यहाँ पे ए और बी में 90 है, इस वाले में देखें बी और सी में 90 है ना। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो 4 हो रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, ठीक है। ए और सी का रिलेशन देखिए और ऊपर बी और सी का रिलेशन देखिए ना। और जो सिस वाले हैं, अगर आप इसको मिरर प्लेन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इसका इनेंशियोमर है, ये इसका इनेंशियोमर है। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, लेकिन ये 2 आपका ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब चाहे तो इसमें भी आप मिरर प्लेन टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे मिरर प्लेन टेस्ट होगा, इसको देख सकते हैं इधर। ओके, इस वाले में देखें भाई, यहां से डाल दीजिए एक प्लेन, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर वाला आइडेंटिकल और नीचे वाला आइडेंटिकल है। ऐसे इसको भी डाल दीजिए, तो ये भी सिग्मा प्लेन है। इसमें डाल के दिखाइए, सिग्मा प्लेन इसमें नहीं डाल पाएंगे कैसे भी करके ना, ठीक है। क्योंकि ऐसे डालेंगे, मान लीजिए ये वाला आप सोचते हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये है, क्यों, क्योंकि ये हाफ अलग है, ये रिंग है, इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे डाल नहीं सकते, ऐसे इसमें भी नहीं डाल सकते, सिमिलरली इसमें भी नहीं डाल सकता, इसमें भी नहीं डाल सकता। तो इस तरीके से देखिए अभी तक जो, अब वैसे भी ये कंप्लीट होता है आपका लेक्चर। इसमें मैं आपको बताऊं, जो इससे पहले आपने वीडियोस कहीं देखे होंगे जहां पे ए बी बी का कंसेप्ट लगा के बनाते हैं, तो उसमें देखिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन इसलिए हैं कि कई बार आपको देखिए वो बाइडेंटेड लिगेंड में काम नहीं करते ढंग से, पहली बात। और कई फिर आपको कोर फीलिंग भी नहीं आती, अगर आप सिर्फ ट्रिक सीखते रहेंगे और कोर कंसेप्ट नहीं जानेंगे। ये चीज़ें अगर आप नहीं जानेंगे, सिमेट्री प्लेन वगैरह, तो ग्रुप थ्योरी भी आप कभी सीख नहीं पाएंगे। तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आप हमेशा कोर कंसेप्ट में जाने की कोशिश करें। ट्रिक व्रिक तो एग्जाम के लिए ठीक है, लेकिन कोर कंसेप्ट जाने। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है। और टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।